तो गाइस फाइनली अब शुरू होने वाला है हमारा सबसे एडवेंचर है, सबसे मेमोरेबल जर्नी। बने रहिए, मिलते हैं आपसे हमारा जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे। लेट्स गो। पब्लिक वेलकम बैक, खूब सारा स्वागत है आप सबका। आज फाइनली वो दिन आ गया जिसका आप सबको इंतजार था। खड़े हैं हम लोग रांची के पहाड़ी मंदिर के पास, और हम और पूरी टीम आ गई है, खूब सारे लोग भी आए हैं हमारे साथ हमें टाटा बाय बाय करने के लिए। मिलते हैं दो चार लोगों से और आपको मिलाते हैं कुछ लोगों से। पता है कि हमारा राइड शुरू होने वाला, और आज हम खड़े हैं अपने फ्लैग ऑफ के लिए जहाँ पे बहुत सारे लोग आए। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था भाई, बहुत लोग उधर भी खड़े इधर भी खड़े। तो आपने इनके ब्लॉग में देखा होगा और हमारे ब्लॉग में देख रहे हैं, सेक्सी ब्लॉग। तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, भाई का ब्लॉग जरूर बाग वाला एपिसोड का वेट रहे। राइडरों से थोड़ा देर में मिलाएंगे और बाइक का लाइनअप थोड़ा देर में दिखाते हैं। प्रेम के बड़े भैया, नाम थे भैया, छोटे भैया, राजा भैया, छोटे भैया, राजे भैया, और यहाँ पे संटू भैया। मेरा स्कूल का बहुत पुराना फ्रेंड है, एकदम बचपन का दोस्त है। और अगर आप रांची में रह रहे हैं तो इसका एक कुजीन खुला हुआ है जो होम डिलीवरी सर्विस दे रहा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसके इंस्टाग्राम का, तो जाके वहाँ पे भी इसको फॉलो कर ले। खूब खाइए, खूब खाइए, खाइए और अंकित के जैसे हो जाइए। जा नहीं पा रहा है, और गुरु जी हमारे एकदम भी दुखी नहीं है। सबको हैप्पी जर्नी और अच्छे से जाइएगा, लौट के आइएगा, फिट रहेगा। तुम नहीं जा रहे हो, हमको इसका दुख है। कोई नहीं, कोई नेक्स्ट टाइम, अंदर से नहीं है ना। हाँ शंकर भगवान की जय। हेलो गाइस, वेलकम बैक, खूब सारा स्वागत है। जैसा कि आपने देखा था जबरदस्त फ्लैग ऑफ, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद, खूब सारा प्यार के साथ अब हम लोग निकल चुके हैं अपने लद्दाख की जर्नी के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, खूब सारा स्वागत आपका हमारे चैनल में। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं। तो गाइस इसी के साथ सफर का शुरुआत हो चुका है, मिलते हैं सीधे सीधे मोटो ब्लॉगिंग मोड में। तो गाइस अभी तक घर से निकल के हम कर चुके हैं करीबन 21 किलोमीटर के आसपास। मौसम काफी ज्यादा अच्छा, काफी ज्यादा, और आपको पता ही है लद्दाख सीरीज का पहला एपिसोड महाराज का पहला स्टॉप होने वाला इलाहाबाद, जो कि कुछ 520-530 किलोमीटर के आसपास है हमारे घर से। यहाँ से करीबन कुछ 500 किलोमीटर है, यहाँ से हम जाएंगे हजारीबाग, हजारीबाग से हम जाएंगे बरी होते हुए जीटी रोड पकड़ेंगे। हम इस रास्ते से गए थे जब सिक्किम गए थे, ये रास्ता जाता है बोकारो गोला होते हुए, बट इस बार हमें रामगढ़ होते हुए हजारीबाग होते हुए सीधा जाना है। प्यारा मौसम है, मतलब भाई हम जा रहे पहाड़ों में लेकिन पहाड़ दिख रहे हैं अभी लिटरली। वाह देखो सामने आपको दिख रहे होंगे, और वो बादल देखो कितने प्यारे दिख रहे हैं भाई, सुपर ऑसम वेदर है। हम लोग सुबह से परेशान थे कि कहीं बारिश ना हो जाए, बारिश ना हो जाए, क्योंकि कल जब सुबह उठे थे तो बहुत ज्यादा टाइम तक बारिश हो रहा था, बट दैट स्कूल की अब बारिश नहीं हो रहा और काफी मजा आ रहा है, क्योंकि वेदर जब ऐसा होता है तो राइड करने का मजा ही अलग होता है। आपने देखा कि हम रुके हुए थे, वो था NH मधुबन के पास, बहुत ही फेमस रांची रामगढ़ हाईवे पे, बहुत से लोग जानते होंगे जो लोग रांची से झारखंड से। हम अभी वहां पे रुके हुए थे, थोड़ा सैडल वैडल ठीक किया, मैंने अपने सैडल पे रेन कवर नहीं डाला था, रेन कवर डाल लिया। डीजे ग्रेनाइट मजे में टॉप बॉक्स पे सोए हुए, और यहाँ पंकी ड्राइव करता हुआ, और भाई भाई लुक एट दैट व्यू, बहुत सुंदर, पहाड़ों पे बादल आए हैं मतलब, और ये इतना खूबसूरत दिख रहा है, इतना ज्यादा कि हमको बता नहीं सकते। बट ये जो वेदर है, ये इस वेदर में राइड करने का मजा ही कुछ और है गाइस, मजा ही कुछ और है। बस बारिश ना हो जाए, मैंने अपना रेन लाइनर अभी तक डाला नहीं हुआ, बाकी बैग वैग तो सारे कवर्ड है। जो हमारे चैनल पे नए उनको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, बहुत ही प्यारी प्यारी स्टोरीज और बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्टोरीज आने वाली है, तो प्लीज जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ये सारी वीडियोस, ये जो लद्दाख सीरीज की सारी वीडियोस है आपको पहले आए। लुक एट द ब्यूटी गाइस, लुक एट द ब्यूटी, इट्स ऑल मेस्मराइजिंग, आई कैन रियली से यू दैट। और ये जो मतलब आज मेरी आवाज में जो दम है ना भाई, वो एक एड्रेनलिन रश है अंदर, मतलब लद्दाख जाने की खुशी है भाई, मतलब बचपन से सोचता था मैं लद्दाख जाऊंगा, लद्दाख जाऊंगा, ऐसे बाइकर्स को देखता था ना, अंकित और मैं मिलके ये सपना पूरा कर रहे हैं हम लोग का, द लैंड ऑफ पासेस। क्या ही प्यारे प्यारे कॉप से भाई, बहुत ही प्यारा, बहुत
काफी प्यार। तब से अब तक चलने के बाद हम लोगों ने करीबन 70 किलोमीटर कर लिया पहाड़ी मंदिर से जहाँ से हम निकले थे। अभी हम पार किए जस्ट रामगढ़, ये एक्चुअली पूरा रामगढ़ है और वेदर काफी ज्यादा अच्छा है यार, मैं क्या बताऊँ, मतलब सब कुछ आज इन फेवर चल रहा है। ट्रिप की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और आप मनाओ की ट्रिप की शुरुआत इसी तरह रहे। और अंकित, और अंकित यहाँ पूरा सीरियस हो गए, फोकस्ड हो गए चला रहा है। और ये देखिए, ये उड़ जाएगा भाई, इसको बांधना होगा बंजी कॉर्ड से। तो शायद से ये हजारीबाग है जो हम क्रॉस कर रहे हैं, या एग्जैक्टली जैन पेट्रोल पंप डीमो तांड हजारीबाग। टाइम देख लेते एक बार, टाइम हुआ है 9 बज रहा है और हम हजारीबाग कर रहे हैं क्रॉस। तो भैया सफर की शुरुआत हो चुकी है और हम कहाँ पहुँच गए हैं? पहुँच गए जीटी रोड, वो भी 2.5 घंटे में। क्या ही रोड, क्या ही मक्खन रोड। मतलब अगर ऐसी ही रोड मिलेगी हमें तो हमको लगता है कि हम आज ही पहुँच जाएंगे। नहीं, आज हम लोग लखनऊ पहुँच जाएंगे अगर रोड ऐसा रहा तो। रोड काफी बेहतरीन है, हमें लगता है 140 किलोमीटर हमने किया पहाड़ी मंदिर से और बीच में एक बार के लिए रुके थे बैग वैग सेट करे, तो उसके बाद तो भाई मजा ही मजा। 120 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच और रोड, मतलब भाई ब्लैक टर्मैक, बहुत ही खूबसूरत रोड और मजा आ गया भाई। ऐसे रोड एक्सपेक्ट नहीं किए थे सीरियसली। और मुंह कान नाक की तो हालत खराब हो चुकी है से। तो आप लोगों से खाने के बाद कुछ खा लेते, ब्रेकफास्ट अभी तक किया नहीं। गडकरी जी को स्पेशल थैंक्स, गडकरी जी को स्पेशल थैंक्स भाई, ऐसा रोड बना, मजा मजा। आप समझिए, मतलब मेरे को मेरे स्पोर्ट्स बाइक को मजा, इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा टूर पे। हम लोग जब झारखंड से निकल रहे थे लगा कि हम लोग, नहीं 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 नहीं, हमको लगा ना कि जब हाईवे छोड़ेंगे तो उसके बाद खराब तो मिलना ही मिलना। खराब खराब तो छोड़ो, जब दिल्ली वाले लोग जाते हैं तो बेचारे गर्मी 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 में जाते हैं और हमें चारों तरफ पहाड़ दिखाया। ठीक है गाइस, वेदर बहुत अच्छा है राइडिंग के लिए, थोड़ा सा थक गए हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे फिर निकलेंगे। दर्द है पीछे, इधर दर्द हो गया, अभी वॉले नहीं मरवाते, फिर चलाएंगे 200 200 200 200। ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं कहीं किसी रोड पे। यहाँ माहौल बन गया है भैया जी को, हमारे बीस्ट भैया का हेलमेट इतना पसंद आ गया कि उनको हेलमेट के साथ फोटो खिंचवाना है, फुल लोडेड बाइक के साथ। भैया गिर जाएगा, पीछे पूरा हिल रहा है। अभी मस्त खाया दाल तड़का रोटी भुजिया, सबने पेट भर के खाया और हमने एक एक कप चाय भी पिया। हमारा बिल हुआ सिर्फ 440 रुपीज, तो नॉमिनल चार्जेस था, बहुत कुछ ज्यादा नहीं लगा। तो जहाँ हम खा रहे थे वहाँ से हमने 10 किलोमीटर किया। हम झारखंड बिहार बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, ये बिहार, तो ये है बिहार का पहला टोल प्लाजा। ये करीबन हम लोग 50 किलोमीटर आए जिस जगह पे हम लोग खा रहे थे। तो जहाँ से बाइकों को तो दिक्कत ऐसे भी नहीं होती है, समय के जात चौकी ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया रोड है, बढ़िया प्रेजेंट है मौसम, ठंडी हवा गाना ना, ठंडी हवा जो आई संभालो हमको, चल रहा है ना बाइक वैसे ही लग रहा है। आकाश से करीबन कुछ 100 किलोमीटर और पहले है। तो आकाश हम लोग आ रहे हैं, तुम वही रहना चाहो। आकाश वर्मा जी मिल चुके हैं, ग्रुप में लाइव लोकेशन शेयर हुआ तो पता चला कि आकाश वर्मा जी यही कहीं। तो ऐसा है गैस, हमने कालिका ढाबा में अभी किया लंच अपना, टाइम हो रहा है 4 बज रहा होगा आई थिंक। घर से निकल के करीबन हमने कर लिया 350 किलोमीटर, हाँ 4.5 हो चुका है। और यहाँ से करीबन बनारस है मेरे को लगता है 60 किलोमीटर के आसपास और प्रयागराज है 150 या 180 के आसपास। मोस्ट प्रोबेबली 3 घंटा लगने वाला, लोग आ रहे हैं पीछे, अभी हम लोग ढाबा पे खा रहे थे। एक्चुअली आकाश मिल गया था गाइस आपको जैसा पता ही है, तो बातें बातें होने लगी ब्लॉग करने पर। तो ये आज का पहला दिन था तो इसलिए हमने मिलवाया नहीं आपको, बाइक के लाइनअप भी नहीं दिखा। खैर जितने लोग ब्लॉग देख रहे हैं उनको तो पता चल गया कौन कौन सी बाइक है, हम आपको दिखाएंगे। और जहां हम खाना खा रहे थे जिस ढाबे में, उस ढाबे में हमें हमारा बहुत अच्छा एक दोस्त मिला, ठीक है, एक बहुत अच्छा दोस्त। आप उससे मिलिए, तब तक हम लोग एंजॉय करते अपनी राइड और आप लोगों से मिलते सीधा बनारस के आसपास कहीं पे। तब तक के लिए स्टार्ट हुआ वैसे, पूरा बंदर को हो गया प्यार हमारे छोटे जी से। ओ बंदर, बंदर ले रहा पूरा मजा। अबे मत कर, मत कर, छोड़ दे। ओ भाई ये भी काफी मजेदार चल रहा है यहाँ पे माहौल, हमरे से दूर रहो, हम कोई दोस्ती यारी नहीं करते हैं। हाँ अरे हेवी चढ़ गया भाई, हेवी चढ़ा है। प्रेम भाई को काट दे, मोबाइल दो उसको, मोबाइल दो भाई उसको, मोबाइल चलाएगा।
तो शाम के बज चुके करीबन 5 और हमें वाराणसी से कुछ ही किलोमीटर पहले पहुंच गए होते अब तक हम वाराणसी, लेकिन ये जो ट्रैफिक है इतना ज्यादा और इतने ज्यादा ट्रक जो चल रहे हैं, एक जगह तो हमें ऑफ रोड का भी सामना करना पड़ा। तो गाइस प्रयागराज यहाँ से 110 किलोमीटर, कानपुर 318, दिल्ली 786 किलोमीटर और हम है वाराणसी में। जी हाँ गाइस, बाबा भोले की नगरी वाराणसी, वाराणसी को क्रॉस कर रहे हैं और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है प्रयागराज, जो कि एक घंटे में पहुंच जाएंगे। लेट्स सी अगर आज रात को हम प्रयागराज में रुकते हैं या फिर थोड़ा सा आगे निकल जाते। हमने अभी पीछे बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कराई, मैंने सोचा था कि आपसे सीधा प्रयागराज में ही मिलूंगा, बट अभी रुके थे हम कुछ समय पहले और वहाँ पे हमने काफी अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवाई और वहाँ पे आप देखेंगे जाके हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे, अगर आपने अभी फॉलो नहीं किया है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, सारे फोटोज आपको देखने को मिलेंगे, सारे लाइव अपडेट्स आपको जानने को मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो तब आ रही होगी जब हम लद्दाख से आ चुके होंगे। राय बरेली में आके होटल मिला, एक पाजी है उनका होटल है, मिल गया भाई लग, उसी में आज की रात अब लग रही है भूख। भूख का इंतजाम कर लिया गया है, बना रहे हैं मैगी। एट दी एंड बहुत सारा मेहनत के बाद कैंपिंग वैम्पिंग तो कहीं हम लोग का, अब इधर उत्तर प्रदेश में कैंपिंग करेंगे तो कैंप के साथ हम लोग को ले जाएगा आदमी। कुल मिला के बात यही है कि अब हम लोग सोएंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड लद्दाख राइड के लिए। तब तक के लिए आप भी एक राउंड मैगी बना के खाइए, हम भी खाते हैं, मिलते हैं, टाटा।